नमस्कार, मेरा नाम है यशदीप और आपका क्राइम कहानी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी भारत के एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कम से कम 44 हत्याएं की। हालांकि इन हत्याओं में से कुछ ही हत्याएं दुनिया के सामने आ पाई। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के हरी नगर पुलिस स्टेशन में आए एक फोन कॉल से। 20 अक्टूबर 2006 को हरी नगर पुलिस थाने में सुबह 7 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही पूरे पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। एक अनजान व्यक्ति ने पुलिस को फोन पर बताया कि मैंने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने एक डेड बॉडी रखी है। इस खबर को सुनते ही पुलिस तुरंत तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर पहुंच गई। गेट नंबर 3 के सामने लकड़ी से बनी एक टोकरी रखी गई थी। टोकरी को बहुत अच्छे तरीके से कस के बांधा गया था। जब टोकरी को खोला गया तो पुलिस को सच में एक लाश मिली। लाश को पहले अखबार और उसके बाद कपड़े और प्लास्टिक में लपेटा गया था ताकि खून बाहर ना बह सके। लाश किसी 28-30 साल के व्यक्ति की थी और उसके शरीर पर कपड़े के नाम पे एक अंडरगारमेंट मात्र था। और सबसे अजीब चीज ये थी कि उस लाश का सिर गायब था। पुलिस को उस टोकरी से एक चिट्ठी भी मिली जिसमें पुलिस के लिए बहुत गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थी। उस चिट्ठी में कातिल ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी कि अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा, तुम लोगों का बाप प्लस जीजाजी सीसी। उस चिट्ठी में कातिल ने यह भी लिखा था कि वो अब तक नाजायज केस झेलता रहा है लेकिन इस बार उसने हकीकत में कत्ल किया है। उस चिट्ठी में यह भी दावा किया गया था कि साल 2003 के नवंबर महीने में भी उसने एक कत्ल करके तिहाड़ जेल के बाहर फेंका था, पर पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई और ना ही अब बिगाड़ पाएगी। पुलिस इस केस को एक सामान्य घटना समझ के चल रही थी, पर पुलिस तब हैरान हो गई जब उसे पता चला कि सच में 20 नवंबर 2003 को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के बाहर एक लाश मिली थी। उस लाश को भी रस्सियों से बांध के अखबार और प्लास्टिक से लपेटा गया था और सबसे अहम बात, उस लाश का सिर भी गायब था। उस समय उस केस की जांच पड़ताल की गई थी पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाया था और केस बंद हो गया था। आप सोचिए कि क्या होता अगर कातिल ने लाश के साथ वो चिट्ठी नहीं भेजी होती तो। पुलिस जान ही नहीं पाती कि इस तरह का कत्ल 2003 में भी हो चुका है। कातिल यही तो बताना चाह रहा था कि पुलिस की कार्यप्रणाली में बहुत सारी खामियां हैं। 20 अक्टूबर 2006 वाली घटना के कुछ ही दिनों बाद उस चिट्ठी की कुछ बातें एक अखबार में छप गईं, जैसे कि पुलिस को गाली देना और खुद को पकड़ने की पुलिस को खुली चुनौती देना। जब आम आदमी तक ये खबर पहुंची तो लोगों में डर का माहौल बन गया। तिहाड़ जेल के अंदर एक से बढ़कर एक खतरनाक कैदी रहते हैं तो आप समझिए कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था कितनी हाई लेवल की होगी। पर सुरक्षा व्यवस्था के इतना हाई लेवल के होने का क्या फायदा कि कोई कातिल वहां एक लाश रख के चला जाए। इसका मतलब कि लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। एक सीरियल किलर खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था। पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि लाश बिना सिर के थी, जिससे ये जान पाना मुश्किल हो गया था कि आखिर ये लाश है किसकी। जब पुलिस यही नहीं जान पाती कि लाश किसकी है, फिर तो कातिल को ढूंढ पाना बहुत दूर की बात थी। अच्छा ही हुआ कि वो चिट्ठी मीडिया तक चली गई, वरना पुलिस केस को हल्के में ले लेती। इंडिया में हर साल न जाने कितनी अज्ञात लाशें पाई जाती हैं, पर पहचान ना हो पाने की वजह से उनमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है और इस केस का भी वही हाल होता। पुलिस तुरंत ही उस पीसीओ पर पहुंची जहां से उसे उस अनजान आदमी का फोन आया था। वो पीसीओ तिलक नगर में था। पुलिस पीसीओ मालिक से पूछताछ करने लगी कि अब तक कौन कौन तुम्हारे पीसीओ पर फोन करने आया था। पीसीओ वाले ने पुलिस को बताया कि अब तक तो यहाँ एक ही आदमी कॉल करके गया है। उसने पुलिस को उस व्यक्ति की कदकाठी बताई। फिर पुलिस ने उसकी मदद से फोन करने वाले उस अनजान व्यक्ति का स्केच भी बनवाया। चिट्ठी से ये भी पता चला कि चिट्ठी में कुछ शब्दों के एक्सेंट ऐसे थे जो कि बिहार के लोग यूज करते हैं। अभी पहली लाश की जांच चल ही रही थी कि 25 अप्रैल 2007 को
तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक और लाश मिल गई। पहली लाश की तरह इसे भी कपड़ों से लपेटा गया था और रस्सियों से कसकर बांधा गया था। पुलिस रस्सियों को खोलने का प्रयास कर रही थी पर रस्सी खुलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी वहां इकट्ठी हुई भीड़ से एक युवक बाहर आया और उसने पुलिस से कहा कि साहब मैं खोल देता हूं। उसने एक चाकू से रस्सियों को काट दिया और फिर वहां से चला गया। इस लाश की खोपड़ी भी गायब थी, साथ ही साथ इस लाश के दोनों हाथ पैर भी गायब थे। कातिल ने इस लाश के साथ कोई चिट्ठी नहीं रखी थी। बाकी लाश को बांधने का पैटर्न पहली लाश के जैसा ही था, यानी कातिल एक ही था। इस लाश के पार्ट्स 30,000 कोर्ट के बाहर पाए गए। हत्यारे को ढूंढना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बन चुकी थी। बिना सिर के विक्टिम की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था। अगर विक्टिम की पहचान हो जाती तो पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ते हुए कातिल तक पहुंचने की कोशिश करती, पर अफसोस कि ऐसा नहीं था। एक बात और थी, उस समय दिल्ली में इतने सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। अगर होते तो कातिल इतनी आसानी से लाश को तिहाड़ जेल के बाहर रख के आजाद नहीं घूम रहा होता। 18 मई 2007 को पुलिस को एक और लाश मिली। इस लाश का भी पहले की मिली दोनों लाशों जैसा ही हाल किया गया था। इस बार कातिल ने एक चिट्ठी भी भेजी थी। इसमें पुलिस को भरपूर गालियां लिखी गई थी। साथ में कातिल ने पुलिस से अपने ऊपर इनाम रखवाने को भी कहा था। अपने बारे में बताते हुए कातिल ने लिखा था कि वो साल में करीब करीब 7-8 कत्ल हर हाल में करता है, वरना उसका दिमाग पागल होने लगता है। उसने चिट्ठी में लिखा था कि पुलिस ने उस पर नाजायज केस लादकर उसे ऐसा इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। उसने लास्ट में लिखा था कि वो तोहफे भिजवाता रहेगा, तुम लोगों का जीजा जी प्लस दामाद सीसी। पुलिस की एक बेहतरीन टीम इस सीसी नाम के सीरियल किलर को पकड़ने में लगी हुई थी। पुलिस को अपने तफ्तीश में ये पता चला कि साल 1998 में भी उन्हें एक ऐसी ही लाश मिली थी जिसके हाथ पैर और सिर गायब थे। साल 1998 में ही पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था, पर सबूतों के अभाव के चलते उस व्यक्ति को साल 2002 में छोड़ना पड़ गया। पुलिस ने पीसीओ वाले के मदद से जो स्केच बनवाया था उस स्केच को अपने मुखबिरों को देकर दिल्ली के कई इलाकों में उस स्केच वाले हुलिये के व्यक्ति को ढूंढने में लगा दिया। जल्दी ही पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। एक मुखबिर ने बताया कि आजादपुर मंडी में एक डॉक्टर बैठता है और उससे मिलने एक आदमी जाता रहता है जिसका हुलिया स्केच से मिलता है और वो बिहार का रहने वाला है। पुलिस आजादपुर उस डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर से पूछताछ में पता चला कि स्केच वाले आदमी का नाम चंद्रकांत झा है। चंद्रकांत की 5 बेटियां थीं और उसके 5 बेटियों की डिलीवरी उसी डॉक्टर ने कराई थी। डॉक्टर ने ये भी बताया कि चंद्रकांत झा ने एक बार उसके साले को भी जान से मारने की कोशिश की थी। वो तो मैं सही समय पर अपने साले के पास पहुंच गया, नहीं तो मेरे साले का खेल उस दिन खत्म ही हो गया होता। पुलिस ने डॉक्टर के साले को थाने में पूछताछ के लिए बुला लिया। उधर चंद्रकांत झा और डॉक्टर के बीच जिस मोबाइल नंबर से बात हुई थी पुलिस उसे ट्रेस करने में लग गई। मालूम चला कि वो मोबाइल नंबर अलीपुर इलाके का है। डॉक्टर के साले ने पुलिस को बताया कि चंद्रकांत झा के पास स्कूटर वाला एक रिक्शा है। इन सारी कड़ियों को जोड़कर पुलिस आखिरकार चंद्रकांत झा को पकड़ने में कामयाब हो गई। चंद्रकांत झा को देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि ये आदमी एक सीरियल किलर हो सकता है। चंद्रकांत झा को पुलिस गिरफ्तार तो कर चुकी थी पर अभी भी पुलिस के पास उसे दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। पुलिस इंटेरोगेशन में चंद्रकांत ने कहा कि साहब मुझे मारना मत, बाकी मैं आपको सब बताऊंगा। चंद्रकांत के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, ना ही उसे अपने किए का कोई पछतावा ही था। जब चंद्रकांत झा मीडिया के सामने आया तब चंद्रकांत ने मीडिया से पूछा कि आप लोग मेरे बारे में गलत क्यों छाप रहे हैं। तब एक पत्रकार ने उससे पूछा कि तुमने चारों कत्ल क्यों किया। तब चंद्रकांत ने कहा
कि आपको कैसे पता कि मैंने 4 कत्ल किए हैं। हो सकता है कि मैंने 4 से ज्यादा कत्ल किए हों। चंद्रकांत झा बिहार के मधेपुरा जिला के घोसई गांव का रहने वाला था। उसकी माँ टीचर थीं और पिता नहर विभाग में काम करते थे। चंद्रकांत के अलावा उसके 5 भाई और थे। चंद्रकांत की शिकायत थी कि उसके माँ बाप ने बचपन में उसका ख्याल नहीं रखा। माँ बाप ने उसके खाने पीने और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसके अंदर अपने माँ बाप को लेकर नफरत पैदा होने लगी, जो आगे बढ़ती ही गई। साल 1990 में वो काम की तलाश में दिल्ली चला गया, जहां आजादपुर मंडी में वो अपने गांव के लोगों के साथ काम करने लगा। वहां वो सब्जी बेचता और पल्लेदारी का काम करता। जब वो सब्जी बेचने का काम कर रहा था, तब पुलिस ने उसे बहुत परेशान किया था। एक बार आजादपुर मंडी में पंडित नाम के एक आदमी से चंद्रकांत झा की हाथापाई हो गई। चंद्रकांत के हाथ में उस समय सब्जी काटने वाला चाकू था, जो गलती से पंडित के हथेली में लग गया और उसके हथेली से खून बहने लगा। पंडित ने इस बात को लेकर चंद्रकांत की पुलिस में शिकायत कर दी, जिससे पुलिस ने चंद्रकांत को जेल में डाल दिया। साथ ही साथ पुलिस ने चंद्रकांत की पत्नी को भी जेल में डाल दिया, जबकि वो उस समय घटना वाली जगह पर थी भी नहीं। चंद्रकांत इस बात से बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोच लिया था कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो पंडित से इसका बदला जरूर लेगा। अब मैं आपको बता दूं कि पंडित वही आदमी था जिसकी 1998 में पुलिस को लाश मिली थी। एक बार फिर से चंद्रकांत जेल गया, पर पंडित की हत्या में शामिल होने का कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं मिल पाया और वो साल 2002 में छूट गया। जेल से छूटते ही उसने 2003 में शेखर नाम के एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया। शेखर का सिर भी गायब था। उसकी लाश अलीपुर के एक कॉलेज के पास मिली। शेखर के कत्ल की वजह उसका शराब पीना और झूठ बोलना था। साल 2003 में ही उसने उमेश और साल 2005 में उसने गुड्डू की हत्या कर दी। चंद्रकांत झा ने अपनी चिट्ठी में 2003 वाली जिस हत्या का जिक्र किया था, वो हत्या उमेश की हुई थी और उसकी ही लाश तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 पर मिली थी। चंद्रकांत झा दिल्ली पहुंचते ही गलत कामों में संलिप्त हो गया। उसकी लड़ाई वहां के एक अपराधी से हो गई। उस अपराधी ने चाकू से चंद्रकांत को सीने से लेकर पेट तक फाड़ दिया। किसी तरह चंद्रकांत अपने आप को बचाने में कामयाब रहा। उसके बाद उसने खुद को सक्षम और ताकतवर बनाने के उद्देश्य से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, फिर बाद में उस अपराधी को ढूंढ के मार डाला। चंद्रकांत झा ने दिल्ली में 2 जगह किराए पर मकान ले रखा था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ अलीपुर में रहता था, पर कत्ल हैदरपुर वाले कमरे पर करता था। अब चंद्रकांत के गांव वालों का कहना है कि चंद्रकांत ने 44 से ज्यादा ही कत्ल किए होंगे। उसके गांव वालों का कहना है कि वो शुरुआत से ही सनकी दिमाग का था। चंद्रकांत ने अपने गांव में 2 लोगों को जान से मार दिया था। इनमें से एक व्यक्ति कपूरी दास को उसने जमीनी विवाद के चलते मार दिया और दूसरे व्यक्ति मुरलीधर को उसने दिल्ली में मार दिया। अपने गांव के रहने वाले एक व्यक्ति भीदू जाधव को वो अपने दिल्ली के हैदरपुर वाले रूम पर बहाने से ले गया, जहां उसने पहले से ही 3 लोगों को कैद कर रखा था। उन तीनों में से एक आदमी भीदू और चंद्रकांत के गांव घोसई का रहने वाला था। उन तीनों को ऐसी स्थिति में देख के भीदू जाधव की हालत खराब हो गई। तीनों को रस्सी से कस के बांधा गया था। तीनों चिल्ला ना सकें, इसके लिए उनके मुंह कपड़े से बांधे गए थे। चंद्रकांत ने उनमें से एक के होंठ धागे से सिल दिए थे। चंद्रकांत ने भीदू से कहा कि मैं तुम्हारे साथ भी यही करने के लिए यहाँ लाया हूँ। इसके बाद चंद्रकांत उनकी फोटो खींचने लगा। भीदू ने चंद्रकांत से कहा कि अब जब मुझे यहाँ मारने के लिए लाए ही हो, तो उससे पहले मुझे कुछ खिला दो। चंद्रकांत जब खाना लाने कमरे से बाहर चला गया, तो भीदू, जो कि बंधा नहीं था, उसने तीनों की रस्सियां खोल के उन्हें आजाद कर दिया। फिर चारों वहां से भाग निकले। मुरली शाह अपने साथ चंद्रकांत का कैमरा भी ले भागा। जब नेटफ्लिक्स की इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली सीरीज आई है, तब उस कैमरे की फोटोज दुनिया के सामने आई हैं। यहां तक कि इन फोटोज के बारे में पुलिस को भी पता नहीं चल पाया था। उस समय चंद्रकांत के डर से इन फोटोज को बाहर लाने की
किसी की हिम्मत ही नहीं हो पाई। बाद में उन तीनों की हत्या हो गई जो उस दिन चंद्रकांत के कैद से भाग निकले थे। चंद्रकांत अपने शिकार से पहले दोस्ती करता, उन्हें छोटे भाई की तरह रखता, उनकी देखभाल करता, फिर उनका कत्ल कर देता। कत्ल के बाद वो लाशों को एकदम सुबह में या रात में ले जाकर फेंका करता। चंद्रकांत से पुलिस को पता चला कि 20 अक्टूबर 2006 को जो लाश मिली थी वो अनिल मंडल नाम के एक व्यक्ति की थी। चंद्रकांत ने अनिल को केवल इसलिए मार दिया था क्योंकि वो चंद्रकांत के पैसे उड़ाता था और उससे बिना पूछे अनिल उसकी लड़की को बाहर घुमाने लेकर चला गया था। चंद्रकांत अनिल को अपने कमरे पर ले जाकर रस्सी से बांध के उसका गला घोंट दिया और फिर उसके कई अंग काट दिए। इसके बाद उसने अनिल की लाश और उसके बहते खून को देखकर खाना खाया। फिर वो अनिल के क्षत विक्षत धड़ को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर फेंकाया। चंद्रकांत से जब पुलिस ने पूछा कि तुमने अनिल के सिर का क्या किया, तो उसने बताया कि अनिल को मोक्ष दिलाने के लिए उसने उसके सिर को यमुना में फेंक दिया। 25 अप्रैल 2007 को तिहाड़ जेल के बाहर जो लाश मिली थी वो उपेंद्र नाम के एक व्यक्ति की थी। पुलिस ने चंद्रकांत से पूछा कि तुमने उपेंद्र को क्यों मार दिया, तब उसने बताया कि उपेंद्र का चाल चलन ठीक नहीं था और एक दिन उपेंद्र से उसकी फोन पर बहस भी हो गई थी। इन्हीं बातों पर उसे गुस्सा आ गया और उसने उपेंद्र को मार के तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर फेंक दिया। उसने पुलिस को बताया कि जब आप लोग उस दिन रस्सी नहीं खोल पा रहे थे, तब मैंने ही भीड़ से निकल के वो रस्सी काटी थी। चंद्रकांत ने उपेंद्र की एक टांग शालीमार बाग मंदिर तो दूसरी टांग को स्वरूप नगर में फेंक दिया और उपेंद्र के हाथ को 30,000 कोर्ट के बाहर फेंक दिया। वहीं अनिल मंडल की तरह ही उसने उपेंद्र को मोक्ष दिलाने के लिए उसके सिर को यमुना में फेंक दिया। चंद्रकांत ने पुलिस को बताया कि तिहाड़ जेल के बाहर जो तीसरी लाश मिली थी वो दलीप की थी। उसने कहा कि दलीप नॉन वेजिटेरियन था और बात बात पे झूठ बोलता रहता था। उसने पुलिस को बताया कि उसे मांस खाने वाले और झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। दलीप की इन्हीं आदतों की वजह से उसे दलीप पर गुस्सा आ गया और उसने उसे मार दिया। उसने दलीप के दोनों हाथों को काट के 30,000 कोर्ट के बाहर फेंक दिया। उसके दोनों पैर को किशनगंज और सिर को गाजियाबाद फेंकाया। पुलिस ने चंद्रकांत से सवाल किया कि तुम्हें ऐसी क्या खुन्नस थी कि तुम लाशों को ले जाकर तिहाड़ जेल के बाहर फेंकाया करते थे। चंद्रकांत ने बताया कि जब वो जेल में था तब एक हवलदार ने उसे कैदियों के सामने नंगा कर दिया था, जिससे उसको बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसने बताया कि उसे जेल में खाना भी कम मिलता था और इन्हीं बातों से वो उस हवलदार से चिढ़ा हुआ था। उस हवलदार से बदला लेने के लिए ही वो उस जगह लाश फेंकता था जहां उसकी ड्यूटी होती थी। फिर पुलिस ने चंद्रकांत झा से सवाल किया कि आखिर तुम चिट्ठियों के अंत में सीसी क्यों लिखते थे। तब चंद्रकांत ने बताया कि मैं खुद को चंद्रमा समझता हूँ और सीसी का मतलब होता है दो दो चंद्रमा। चंद्रकांत अपने गुनाहों को पुलिस के सामने कबूल तो कर रहा था, पर पुलिस ये अच्छी तरह से जानती थी कि ये शातिर आदमी कोर्ट में जाके जरूर पलट जाएगा। कोर्ट में उसे दोषी साबित करने के लिए पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने चाहिए थे। चंद्रकांत ने पहले पुलिस को बताया था कि वो मोक्ष दिलाने के लिए खोपड़ियों को यमुना में फेंका करता था। पुलिस उन खोपड़ियों को तलाश करने चंद्रकांत के साथ यमुना पहुंच गई। उन खोपड़ियों को ढूंढने के लिए गोताखोर लगाए गए। आखिरकार तीसरी लाश मिलने के 5 दिन बाद यानी 23 मई 2007 को पुलिस को एक खोपड़ी मिल गई। पुलिस ने खोपड़ी और तीनों लाशों के टुकड़ों को डीएनए जांच के लिए भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस चंद्रकांत झा के हैदरपुर वाले कमरे पर गई। पूरा कमरा सड़ी हुई बदबू से भरा हुआ था। उस कमरे से पुलिस को 3 बड़े बड़े चाकू मिले। फर्श पर सूख चुकी खून की कुछ बूंदें मिली। चंद्रकांत झा का वो मोबाइल फोन भी मिला जिसे पुलिस ट्रैक कर रही थी। सारे सबूतों के फोटो लिए गए और वीडियो भी बनाई गई। लाशों के साथ मिली चिट्ठियों से चंद्रकांत झा की हैंडराइटिंग की मिलान भी कराई गई, जिसमें ये पता चल गया कि वो चिट्ठियां चंद्रकांत झा ने ही लिखी थीं। चंद्रकांत झा को उसके अंतिम सांस तक जेल में रखने के लिए पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल चुके थे। ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में आता था।
चंद्रकांत झा पर अनिल मंडल, उपेंद्र, दलीप, पंडित, शेखर, उमेश और गुड्डू की हत्याओं का आरोप लगा, पर दिल्ली सेशन कोर्ट में सबूतों की कमी के चलते चंद्रकांत झा पर केवल अनिल मंडल, उपेंद्र और दलीप के हत्या के आरोपी सिद्ध हो पाए। साल 2013 में कोर्ट ने चंद्रकांत झा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे एक साथ फांसी और उम्र कैद दोनों की सजा सुनाई। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने चंद्रकांत झा के मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अब चंद्रकांत झा उसी तिहाड़ जेल में अपनी जिंदगी बिता रहा है। तो यही आज की कहानी थी। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। मैं हूं यशदीप और आप क्राइम कहानी चैनल देख रहे थे। जय हिंद।